सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। किसी से भी झूठ बोलने, किसी से भी झूठ बोलें, लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोलें। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक दिन सफल जरूर होंगे। आज का पंचांग 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 11:03 से 11:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:00 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपनी समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर मजेदार भी रहेगा। दिन की शुरुआत में ही अपने खास कार्यों की उचित रूपरेखा बना ली, इससे अस्त व्यस्त बनी हुई दिनचर्या में कुछ सुधार आएगा। आपका कर्म और पुरुषार्थ आपकी हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। किसी व्यक्ति की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। अपने काम से जुड़ी हर एक बात को ठीक से समझें। अन्य लोगों के मन में आपकी छवि क्या बन रही है इस बात पर विचार करें। व्यवहार से जुड़े लोगों को अपेक्षित काम मिलेगा। लव रिलेशनशिप में होने वाला तनाव कम होगा। गलत खान पान की वजह से पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती है। सावधानियां, इस समय नजदीकी संबंधियों के साथ गलत फहमियों की वजह से कुछ दूरियां आने जैसी स्थितियां बन रही है। रिश्तों को संभाल कर रखें। सुकून पाने के लिए कुछ समय परिवार और बच्चों के साथ व्यतीत करना उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित तालमेल बना रहेगा जिससे घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। विवाहित संबंधों से दूर रहें। आज अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त रहे हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ ले लें। सबके साथ होंगे तो सबको अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहें। बात करते हैं करियर की। आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटाने का है। अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यस्थल में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। व्यवसाय से संबंधित संपर्कों को मजबूत करें। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें। इस समय भविष्य संबंधित किसी भी योजना पर निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना बने। डायबिटिक लोग अपना उचित ध्यान रखें। आज के दिन परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने परिवार के सदस्य को चेकअप के लिए भी आप डॉक्टर के पास ले जा सकती हैं। अपने बच्चों के साथ किसी मजेदार कार्यकलाप में शामिल हो सकती हैं। अपने परिवार के सदस्यों के सेहत का पूरा ख्याल रखें। संक्रमण फैल रहा है, इसलिए बाहर ज्यादा ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।